फैक्ट नंबर वन गाइज, आज तक आपने सिंपल ऑटो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गजब का ऑटो दिखाता हूँ। चेन्नई में ऑटो अन्ना के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा चालक अन्ना दुरई ने यात्रियों के लिए अपने रिक्शा में अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड प्रो, एलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी, क्योंकि उनका मानना है कि यात्री उनके लिए भगवान के समान होता है, इसीलिए वो उनकी जरूरत का हर सामान, हर चीज अपने रिक्शा में रखते हैं। गाइज, अब इसे सीखने को क्या मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, यदि आप यूनिक और कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं तो आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर टू, साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ दो ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को ये लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रेवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पे केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। फैक्ट नंबर थ्री गाइज, टिकटॉक भले ही इंडिया में बैन हो गया हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टिकटॉक ने आज गूगल और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स को पूरी दुनिया में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल क्लाउड फेयर की साल 2021 की वेबसाइट रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इस साल ऑनलाइन ट्रैफिक में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग टिकटॉक पर वीडियो देखने गए हैं, और साल 2021 से पहले तक सबसे ज्यादा लोग गूगल पर जाया करते थे। अब इंडिया में बैन होने के बावजूद भी टिकटॉक का गूगल और फेसबुक को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर फोर, बॉलीवुड में किसी न्यू कमर या आउटसाइडर के साथ पार्शियलिटी आम बात है, पर अगर ये सब अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ भी हो रहा हो तो हैरानी तो होगी ही, क्योंकि रिसेंटली अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने यह उजागर किया है कि बहुत से इवेंट्स में उन्हें बड़े स्टार्स के आने पर सीट खाली करने को कहा गया, और तो और उन्हें बिना बताए कई फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया। गाइज, अब अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आउटसाइडर्स का तो क्या ही हाल होता होगा। फैक्ट नंबर फाइव, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी दिलीप जोशी की बेटी नियति अपनी शादी के दौरान अपने सफेद बालों को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ गाइज, नियति ने अपनी शादी में अपने सफेद बालों को हेयर डाई तक नहीं करवाया, जो कि सामाजिक दिखावों को खुली चुनौती देता है। दरअसल जहां एक तरफ लड़कियां शादी से पहले अपने हेयर केयर के लिए हजारों रुपए खर्च कर देती हैं ताकि शादी में बातें ना बन सके, लेकिन इसके उलट नियति ने अपने सफेद बालों को हेयर डाई तक नहीं करवाया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी वाह वाही हो रही है। गाइज, आपको जेठालाल की बेटी की सोच के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइज, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।